तो स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अपन पाइथन के अंदर कोडिंग को लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिखें और इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको आप लोग प्रिंट करके दिखाएं। अगर होता है आप लोगों से प्रिंट तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो यहां पे आइए पाइथन फंक्शन पे कोड के क्लिक करिए और यहां पे सारे के सारे फंक्शन जो हैं एक बार में प्रिंट होकर आ जाने वाले हैं। यहां पे देखिए डे वन पाइथन प्रिंट फंक्शन ये आ गया है, ये आ गया है और ये आ गया है। यहां पे एक टाइम पे मल्टीपल चीजें जो होती हैं वो प्रिंट होकर आ जाती हैं। ये पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है वो इतना पावरफुल है कि वो सारी चीजों को एक साथ में प्रिंट करने की ताकत रखता है। यहां पे जो आखिरी वाला प्रिंट फंक्शन है इसमें मैंने कुछ दिमाग लगाया हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने एक और प्रिंट फंक्शन यूज किया है। मेजरली लोग क्या करते हैं, मेजरली लोग यहाँ पे सिंगल फंक्शन की जगह यहाँ पे डबल यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल की जगह लोग यहाँ पे डबल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डबल यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए आ रही है प्रॉब्लम, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप डबल के अंदर डबल नहीं यूज कर सकते, आपको यहाँ डबल के अंदर यूज करना होगा सिंगल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अपन पैरेंथेसिस यूज करते हैं उसमें पहले आपको डबल यूज करना है, बाद में आपको यूज करना है सिंगल। अगर मैं यहाँ पे सिंगल यूज करूँ और अंदर डबल यूज करूँ तो क्या प्रिंट होके आएगा? यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या प्रिंट आएगा। अगर मैं ऐसा करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप यूज कर जो पैरेंथेसिस यूज करेंगे अंदर वो पैरेंथेसिस नहीं होनी चाहिए, बाहर जो आपकी पैरेंथेसिस रहेंगी उसके विपरीत पैरेंथेसिस यहाँ पे होनी चाहिए। अगर पैरेंथेसिस सेम रही तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, यहाँ पे एरर शो करेगा। तो अपने पाइथन कोड क्या बोलता है कि अगर आप प्रिंट के अंदर प्रिंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस में फेरबदल करना होगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे। ये तो बात हुई सिंगल लाइन प्रिंट करने की। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिंगल लाइन के बदले अगर मैं एक ही कमांड में मैं चाहूँ अगर मैं एक ही कमांड लिखूं और एक ही कमांड के अंदर मैं तीन चार लाइन को प्रिंट कर लूँ, लगातार तीन चार लाइन को प्रिंट कर लूँ, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? यहाँ ध्यान दो, मैंने लिखा हेलो, हेलो लिखने के बाद मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा, वापिस आऊंगा, वापिस प्रिंट करूंगा, वापिस आऊंगा, वापिस प्रिंट करूंगा और मैं इसको रन कर दूंगा। और तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे तीन बार हेलो देखने को मिल गया। क्या मैं ऐसा कोई कोड लिख सकता हूँ कि जो एक लाइन में रहे और एक लाइन वाले कोड को मैं रन करूँ तो मुझे तीन बार हेलो दिखाई दे? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ मुझे एक फंक्शन यूज करना होगा जो पाइथन का एक फंक्शन है, मुझे उसे यूज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने दिया हेलो, हेलो लिखने के बाद मैं यहाँ लगाऊंगा बैक स्लेशन लगा के मैं यहाँ लगाऊंगा एन और मैं यहाँ पे फिर से लगा दूंगा हेलो, बैक स्लेशन लगाया, एन लगाया, मैं यहाँ फिर लगाऊंगा बैक स्लेशन, यहाँ एन लगाऊंगा और फिर यहाँ लिख दूंगा हेलो। आपको जितनी बार हेलो को प्रिंट करना है आप उतनी बार लगाइए, बस यहाँ पे आप बैक स्लेशन लगाना मत भूलिए। कुछ लोगों को यहाँ तकलीफ ये होती है कि भाई हमने आप जो बैक स्लेशन एन है इसके स्पेस दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, आप दीजिए, ये पाइथन है, यहाँ पे कोई केस सेंसिटिविटी नहीं है। आपको यहाँ जितना स्पेस देना है, जहाँ स्पेस देना है आप खुल के स्पेस दीजिए। यहाँ पे मैं रन करूंगा, यहाँ पे देखिए सारे हेलो जो है वो आ गए हैं। शाबाश बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर आप स्पेस देंगे, मैंने यहाँ पे बैक स्लेशन एन के बाद स्पेस दिया तो यहाँ पे देखो स्पेस दे के प्रेजेंट होके आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ यहाँ पे, अब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो सब एक लाइन में रन होके आएंगे। तो ये कुछ खासियत है पाइथन के प्रिंट फंक्शन की। अगर आपको एक ही लाइन में बहुत सारी चीजों को प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे फंक्शन यूज करना होगा जिसे कहते हैं बैक स्लेशन एन फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि गाइस आप लोग भी ऐसा कोई कोड लिखें और जिसके अंदर आप बैक स्लेशन एन का यूज करें और मेरे साथ अभी के अभी अपने कंप्यूटर में रन करके देखें कि ये रन हो रहा है कि नहीं। अगर रन नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो कमेंट डालिए क्या एरर आ रहा है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे अगले वीडियो में पक्का। पाइथन के प्रिंट फंक्शन को सीखते सीखते अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग को एक साथ रन कर सकता हूँ पाइथन के अंदर? जी हाँ, चलो देखते हैं कैसे मैं दो स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर रन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, हेलो लिखने के बाद मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस साइन लगा के मैं ऐड करूंगा दो स्ट्रिंग को। मेरा पहला जो स्ट्रिंग है वो है हेलो, मेरा दूसरा जो स्ट्रिंग होगा वो होगा हेलो बच्चों। अब यहाँ देखो गाइस, यहाँ मैं लगा दिया प्रिंट, यहाँ लगा दिया मैंने हेलो पहला स्ट्रिंग और यहाँ मैं लगा दिया प्लस साइन और यहाँ मैं लगा दिया अपना दूसरा स्ट्रिंग। अब मैं इसको करूंगा रन और यहां पे देखो दो स्ट्रिंग एक साथ में रन होगी। यहां देखो यहां आ गया हेलो बच्चों। लेकिन गाइस आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां जो हेलो बच्चों आ रहा है ये दोनों साथ में जुड़े हुए चिपके हुए आ रहे हैं। क्या मैं इन दोनों के बीच में स्पेस दे सकता हूं? जी हां मैं स्पेस दे सकता हूं। यहां पे देखो स्पेस देने के लिए मैं करूंगा, मैं एक और स्ट्रिंग लगाऊंगा और स्ट्रिंग के अंदर दे दूंगा स्पेस और स्पेस देने के बाद मैं यहां पे एक और प्लस लगा दूंगा। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहां पे आ जाएगा स्पेस,
यहाँ पे देखो यहाँ आ गया हेलो स्पेस बच्चों। तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ये जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो तीन स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट कराते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रिंग कनेक्टेशन। इसमें हम दो तीन स्ट्रिंग को काट के जोड़ देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रिंग कनेक्टेशन। तो इस कहानी से क्या हमें निष्कर्ष मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। ये पाइथन की खासियत है, इसे तुम लोग समझ के रखो। प्रिंट फंक्शन के बारे में इतना बहुत है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे फंक्शन के बारे में। तो आओ यार एक दूसरे फंक्शन पे हम ध्यान देते हैं, कैसे हम दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ देखो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज योर नेम, यहाँ मैंने लिख दिया व्हाट इज योर नेम, और जैसे ही मैं इसको रन करूँ यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, व्हाट इज योर नेम। इसके बाद यहाँ पे अपने को ऐसा चाहिए कि मैं यहाँ पे कर्सर जो है इसके सामने आए, जिससे मैं यहाँ पे अपना नाम दे सकूँ। तो मैं पाइथन के अंदर किस तरीके से अपने इनपुट को डाल सकता हूँ, इसके लिए मैं यूज करने जाऊंगा पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन को। यहाँ पे पाइथन के अंदर हम किस तरह से इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ मैं लिखूंगा इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ देखो मैंने यहाँ यूज़ किया है इनपुट और यहाँ लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम। अब देखो अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा यहाँ पे मुझे कर्सर जो है वो लिखने की अनुमति देगा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, देखो यहाँ पे मेरा नाम लिखने की यहाँ पे अनुमति मेरे को मिल गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाइथन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर घुसार सकें। यहाँ देखो मैंने नेम लिख के मैंने इंटर मार दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फीचर है ये पाइथन का, मैं पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज़ करके मैं अपने डाटा को इसके अंदर डाल सकता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, ये जो इनपुट फंक्शन है वो काम कैसे करता है। इनपुट एक फंक्शन है, यहाँ पे आपको जैसा इनपुट चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉम्प्ट की जगह पे। यहाँ पे जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, यहाँ पे सारी चीजें आपको लिखनी होंगी जिसका आपको इनपुट चाहिए यूजर से। जैसे ही आपकी ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे एक कर्सर जो होगा वो ब्लिंक होने लगेगा। अब उस कर्सर के बाद आपको अपना वहाँ पे इनपुट देना होगा। तो इस तरीके से हमारा जो इनपुट का फंक्शन है वो वर्क करता है गाइज। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से आप इनपुट फंक्शन को और प्रिंट फंक्शन को साथ में काम में ला सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रिंट फंक्शन साथ ही साथ में इनपुट फंक्शन को। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, हेलो के बाद मैंने लगा दिया प्लस साइन। अब देखो यहाँ पे एक और ब्रैकेट मुझे लगाना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि प्रिंट हेलो हो जाए और उसके बाद यहाँ पे जो इनपुट आए उसके साथ में हेलो हो जाए। यहाँ देखो मैं इसको करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। देखो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को इनपुट फंक्शन का आंसर पूछेगा। जैसे ही मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे देखो हेलो और मेरा नाम लिख के आ गया है। अगर आप लोगों को ये समझना है कि ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं डीबगिंग का। डीबगिंग के लिए सबसे पहले आप आ जाइए अपने क्रोम पे या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं आप उस पर आ जाइए, और ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ लिखना है सिंपली THOMMY थोमी, थोमी डीबगर ऐसे ही नाम है इसका। हाँ इसके यहाँ पे आ जाइए थोमी पे, और जैसे ही आप थोमी पे आ जाएंगे यहाँ पे देखिए थोमी लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे ही आप थोनी पे आ जाएंगे आप थोनी को कर लीजिए डाउनलोड, और थोनी को देखो यहाँ पे विंडोज के लिए अवेलेबल है, और थोनी को डाउनलोड करके आप यहाँ पे डीबगिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो डीबगिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को बताएगा कि ये किस तरीके से आपका जो कोड है वो रन हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ ये कोड किस तरीके से रन हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हेलो हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा दूसरा जो स्ट्रिंग है उसमें व्हाट इज योर नेम ये पहला प्रायोरिटी जाएगी इसको। तो सबसे पहले व्हाट इज योर नेम रन होगा, फिर तुम्हारा नेम जो भी आएगा, जैसे तुमने जो भी तुम नेम लिखोगे वो नेम आएगा, और नेम आने के बाद हेलो रहेगा वो साथ में प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम चलता है गाइस। ये तो बात हो गई प्रिंट फंक्शन की, और ये बात हो गई इनपुट फंक्शन की। तो कहानी जो है वो अब प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के आगे जा रही है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, वेरिएबल क्या होता है, जरा हम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे ये मैं प्रिंट फंक्शन लिखा था, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इनपुट व्हाट इज योर नेम, जैसे मैंने यहाँ लिखा था इनपुट व्हाट इज योर नेम, मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज योर नेम। अब जो ये आंसर है ये क्या है, ये नेम है, तो मैं यहाँ इसको देता हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट। मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और इस वेरिएबल के अंदर मेरा जो भी नेम रहे वो आके इस नेम के अंदर स्टोर हो जाए। जैसे ये है आपका घर और ये है आप, तो आप कहाँ जाके बैठेंगे अपने घर में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे हैं आप, तो आप जाके बैठेंगे अपने घर में। उसी तरीके से ये जो नेम है ये घर है इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा
वो आंसर जाके बैठेगा इस घर के अंदर। तो यहाँ पे नेम जो है वो एज अ वेरिएबल काम करेगा। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, देखो गाइस, मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा नेम। और जैसे ही मैं नेम को लिख दूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पाइथन कोड को रन करूंगा। सबसे पहले ये मेरे से पूछेगा कि आपका इनपुट क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। मैंने अपना नाम दे दिया, अब मेरा जो नाम होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, योर नेम इज, ऐसे देखो यहाँ पे मैं और मॉडिफिकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं और मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, योर नेम इज कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैं डाल दिया इक्वल्स टू योर नेम इज। यहाँ पे देखो इसको इक्वल्स टू के बाद लगाता हूँ, योर नेम इज, और ये देखो यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ सेव, और मैं इसको देखो अब रन करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इसको किया रन, और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, यहाँ पे देखो आ जाएगा योर नेम इज। ये जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे मैं अपने प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ, और अपने नेम का भी यूज़ कर सकता हूँ, इनपुट का भी यूज़ कर सकता हूँ, और इन सभी का यूज़ करके मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कोड को अपने रन करा रहा हूँ। पहले मैं अपना नाम लिखूंगा यहाँ पे, जो भी मेरा नाम रहेगा मैं नाम लिख दूंगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ गया है। और यहाँ पे देखिए इज़ और मेरा नाम जो है वो साथ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो प्लस है ही, मैं यहाँ पे स्पेस के लिए ये यूज़ करूँगा, और यहाँ पे दूंगा देखो यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, और यहाँ पे एक और प्लस साइन का यूज़ कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे नेम और पैरेंथेसिस के बीच में यहाँ पे देखो स्पेस आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे से पूछेगा अपना नाम बताओ, मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया, और नाम लिखने के बाद जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे देखो, ये काफ़ी कमाल का चीज़ हो गया यहाँ पे। तो ये फैसिलिटी है इनपुट फंक्शन की, यहाँ पे आप बहुत सारे इनपुट फंक्शन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया एज, मैंने यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल बनाया है। अब देखो मैं यहाँ देता हूँ इनपुट, यहाँ मैंने इनपुट दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज योर एज। तो यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना काफी है, आज के दिन हमने क्या क्या सीखा आप लोग वीडियो में पीछे आके देख सकते हैं। एंड मुझे दीजिए आजादी, मुझे भी भागना है पैसों के पीछे। आप लोग यहाँ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कमेंट करिए अगर आप लोगों को कोई डाउट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, जो दोस्त नहीं है उनको भी बोलिए। और यार अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।